हेलो इंजीनियर्स, तो इस वीडियो में समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरअप्स, 1 लाख स्टीरअप्स, 2 लाख स्टीरअप्स, 3 लाख स्टीरअप्स, अप टू 8 लाख स्टीरअप्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे 1 लाख स्टीरअप। अगर जो हमारा स्टीरअप होता है उसको हम सिर्फ एक ही सिंगल हुक के लिए जैसे प्रोवाइड कर देंगे हमारे बीम के अंदर, तो उसको बोला जाता है 1 लाख स्टीरअप। ये जो 1 लाख स्टीरअप होता है, अगर ये आपका टी बीम है तो उसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जनरली हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हमको शेयर में क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर जनरली 1 लाख स्टीरअप कहीं भी यूज़ नहीं करते हैं। तो सिंपली जो हमारा मेन स्टीरअप स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 2 लाख स्टीरअप से। तो समझते हैं 2 लाख स्टीरअप क्या होता है। तो ये क्या है, हमारा एक बीम का क्रॉस सेक्शन है। इसमें देखिए यहाँ पे हमारा स्टीरअप स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे बेंड हो रहा है, फिर यहाँ 90 डिग्री का बेंड, फिर यहाँ 90 डिग्री, फिर यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ पे आके 135 डिग्री का बेंड हो रहा है। अगर आपको कोई भी स्टीरअप एक क्लोज लूप बनाता है और ऐसे आके यहाँ पे बेंड हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं 2 लेग्ड स्टीरअप। और यहाँ पे जो लेग्ड बोला जाता है, इस ये हुक लेंथ होता है, इसको लेग नहीं बोला जाता। ये जो वर्टिकल फेस होता है हमारे स्टीरअप का, उसको यहाँ पे लेग बोला जाता है। देखिए यहाँ पे एक पैरेलल लेंथ है और यहाँ पे एक पैरेलल लेंथ है, तो कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये दोनों पैरेलल लेंथ क्या है, एक लेग की तरह एक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पे बोला जाता है 2 लेग स्टीरअप। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे जब हम यहाँ पे 3 लेग स्टीरअप को समझेंगे। तो अब यहाँ पे 3 लेग स्टीरअप क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए 3 लेग स्टीरअप यहाँ पे देखिए, जहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल साइड ज़्यादा होंगे उसको हम यहाँ पे लेग कंसिडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ एक पैरेलल साइड है और यहाँ पे क्या है, 2 पैरेलल साइड है, और यहाँ पे वर्टिकल में देखिए एक पैरेलल साइड, 2 पैरेलल साइड और 3 पैरेलल साइड, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, 3 लेग स्टीरअप बोलेंगे। और यहाँ पे आप हुक देखेंगे तो हुक देखिए कितने, एक हुक यहाँ पर है, एक हुक यहाँ पे, 2 हुक, 3 हुक और यहाँ पे 4 हुक, यानी कि यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 हुक है, लेकिन हम तब भी इसको क्या बोल रहे हैं, 3 लेग स्टीरअप बोल रहे हैं, क्योंकि जो वर्टिकल पोर्शन होता है हमारे स्टीरअप का, हम इसको लेग कंसिडर करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा 3 लेग स्टीरअप हो गया। सिमिलरली अब यहाँ पे हम 4 लेग स्टीरअप क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए अगर ये जो वर्टिकल साइड है हमारे स्टीरअप का वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 4 लेग स्टीरअप बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, और यहाँ पे हमारा स्टीरअप जो फर्स्ट स्टीरअप है वो यहाँ से बेंट होकर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे इस बार के यहाँ पे कवर कर रहा है बार को, और यहाँ पे बेंड होके फिर से यहाँ पे आके बेंड हो जा रहा है। फिर सिमिलरली जो हमारा सेकंड बार है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से बेंड हो रहा है, और यहाँ से बेंड होके यहाँ पे बेंड हो जा रहा है। और ये जो 4 लेग स्टीरअप है इसको प्रोवाइड करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर जो रेनफोर्समेंट होता है हमारे कॉलम का, उसके जो अरेंजमेंट होती है, अगर वो कुछ ऐसे होते हैं तो हम ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे 4 लेग स्टीरअप को हमारे कॉलम के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पार को स्टार्ट करेंगे, इस पूरे रेनफोर्समेंट को कवर करते हुए पूरा एक राउंड लेंगे और यहाँ पे आके बेंड कर देंगे, फिर यहाँ पे दो हम सिंगल लेग्स प्रोवाइड कर देंगे हमारे कॉलम को। तो यहाँ पे कितने लेग हो जाएंगे, 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग और यहाँ पे 4 लेग। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 4 लेग स्टीरअप हो जाएगा। फिर अगर जो हमारा बार का अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 8 रेनफोर्समेंट आ जाएंगे हमारे कॉलम के अंदर, और उसको हमने कुछ ऐसे प्रोवाइड किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 4 लेग स्टीरअप हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मेन स्टीरअप को यहाँ से स्टार्ट किया, पूरे हमारे सारे रेनफोर्समेंट को कवर किया और यहाँ पे आके इसको बेंड कर दिया, और यहाँ पे सिंगल हुक प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ भी एक क्या कर दिया, सिंगल लेग स्टीरअप प्रोवाइड कर दिया। तो कितने लेग हो गए, 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग। तो ये भी क्या हो गया, हमारा 4 लेग स्टीरअप हो गया। और यहाँ पे जो हमने सिंगल सिंगल लेग प्रोवाइड किया है, इसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, जो हमारा क्लोज 2 लेग स्टीरअप होता है उसको भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते थे। तो उसके भी कितने हो जाते हैं, 2 लेग और ये 2 लेग, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 4 लेग हो जाते हैं। तो ये था हमारा 4 लेग स्टीरअप। अब समझते हैं 5 लेग स्टीरअप। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर 10 रेनफोर्समेंट होते हैं तो उसके अंदर हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, 5 लेग स्टीरअप को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 5 लेग स्टीरअप को कैसे प्रोवाइड किया गया है वो देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बार को स्टार्ट किया यहाँ से, और पूरे 8 हमारे जो बार्स हैं उसको यहाँ पे कवर करते हुए हमने एक स्टीरअप को यहाँ पे बनाया, यानी कि एक 2 लेग स्टीरअप को बनाया। सिमिलरली हमने क्या किया, यहाँ से बार को स्टार्ट किया, इस राइट साइड के 8 बार्स को कवर किया और यहाँ पे आके इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हमारे सारे बार्स कवर हो गए, और ये सेंट्रल बार से इसको कवर करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सिंगल लेग हुक प्रोवाइड कर दिया। तो टोटल कितने हमारे पास लेग हो गए, 5 लेग, 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, 5 लेग। तो ये क्या हो गया, हमारा 5 लेग स्टीरअप हो गया। अब समझते हैं 6 लेग स्टीरअप को। तो यहाँ पे अगर आपके पास 8 रेनफोर्समेंट है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 लेग स्टीरअप्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 लेग स्टीरअप्स को कैसे प्रोवाइड किया है, यहाँ से बार को स्टार्ट किया, यहाँ पे गया और इन चारों बार को कवर किया, और यहाँ से बेंड हो गया, फिर यहाँ पे आके ऐसे हुक को कवर कर दिया, यानी कि ये क्या हो गया, हमारे 2 लेग हो गए।
सिंगलली यहाँ पे भी क्या कर दिया, सेम इस बार को यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे बेंड किया, यहाँ पे 90 डिग्री पे बेंड किया, यहाँ 90 डिग्री पे बेंड किया, और इन चारों बार को कवर करते हुए एक स्टीरअप को बनाया कि सिंगली इन चारों बार को कवर करते हुए एक स्टीरअप को बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल लेग कितने हो गए, 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, 5 लेग, 6 लेग। तो ये क्या हो गया, हमारा 6 लेग स्टीरअप हो गया। ये जो हमारे सारे स्टीरअप्स होते हैं इसको प्रोवाइड करने का मेथड अलग अलग होता है, यानी कि ये जो हमारे स्टीरअप्स है इसको हम अलग अलग वेज में अरेंज करके हमारे स्टीरअप्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा आपके ड्राइंग से मेंशन होगा आप उसके हिसाब से कटिंग लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास 10 बार्स होते हैं तो उसके लिए भी हम यहाँ पे 6 लेग स्टीरअप्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये जो बार है उसको हमने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक लेके गया, और यहाँ पे ये जो 6 बार्स है इसको कवर किया, फिर यहाँ पे बेंड होके यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारे लेफ्ट साइड में 6 बार्स थे उसको हमने कवर किया हमारे इस 2 लेग स्टीरअप से। सिमिलरली फिर ये जो हमारा राइट साइड में स्टीरअप है उसको यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से किया, और ये जो 6 बार्स है हमारे मेन कॉलम के उसको कवर किया और यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। तो हमने ये 6 बार को कवर कर दिया और ये 6 बार को कवर कर दिया। फिर ये जो 4 बार है हम इसको यहाँ पे अब कवर करेंगे हमारे इस सेंट्रल स्टीरअप से। तो यहाँ पे स्टीरअप को हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से बेंड किया, यहाँ से बेंड किया, यहाँ से बेंड किया, और यहाँ पे बेंड कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा एक 2 लेग स्टीरअप बन गया। तो हमारे पास टोटल कितने स्टीरअप हो गए, 2 लेग, 3 यानी कि 6 लेग हो गए। देखिए 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, 5 लेग, 6 लेग। तो ये था हमारा 6 लेग स्टीरअप। अब 7 लेग स्टीरअप क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए अगर जो रेनफोर्समेंट की अरेंजमेंट है आपके कॉलम में अगर वो कुछ ऐसी होगी तो आप यहाँ पे 7 लेग स्टीरअप को प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, 5 लेग, 6 लेग, और ये क्या है हमारा 7 लेग। फिर 8 लेग स्टीरअप को कैसे प्रोवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास 8 लेग स्टीरअप है जिसमें कि हमें यहाँ पास 10 रेनफोर्समेंट। तो हमने क्या किया, इन चारों बार को कवर करते हुए एक स्टीरअप को प्रोवाइड किया, इन चारों बार को कवर करते हुए एक 2 लेग स्टीरअप को प्रोवाइड किया, इन चारों बार को कवर करते हुए एक स्टीरअप को प्रोवाइड किया, और इन चारों बार को कवर करते हुए एक क्लोज्ड स्टीरअप को प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 2 लेग स्टीरअप को यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, 5 लेग, 6 लेग, 7 लेग, और ये 8 लेग। तो ये था हमारा 8 लेग स्टीरअप। सिमिलरली आपके पास कितने भी लेग होंगे, 9 लेग, 10 लेग, आप उसको समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।